जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सन ऑफ सोसाइटी में। अभी मैं पटना के कंकड़ बाग में रहता हूं और मैं आज 2 अक्टूबर है और आज भारत के बहुत ही महान हस्ती हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो हमारे साथ हमारे दीपू भैया हैं और एक रत्नेश भैया हैं जो हमारे साथ में है। और हम लोग क्या करने वाले हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान में जो था कि सफाई सुथरा किए थे वो हमेशा करते रहते थे, तो हम लोग उनको हमारे मोहल्ले के आसपास में बहुत सारा कचरा फैल गया है और उसको थोड़ा सा साफ कर करके हम लोग उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो हम लोग इस एरिया को थोड़ा सा साफ करके और कचरा को उठा करके यहाँ पर देख सकते हैं चारों ओर डस्टबिन भी नहीं है और दुकान में भी डस्टबिन नहीं रहता है बहुत सारे दुकान में, और इसके वजह से होता है कि कचरा को कहीं भी लोग डंप कर देते हैं जिससे बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और न्यूज में तो देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। और हाँ, ये बात सही है कि अभी पटना में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और कचरा साफ नहीं होने के कारण बीमारियों का तो सैलाब होता ही है और उससे आम जनता परेशान होती है। तो हम लोग ये सफाई सुथरा को कर करके थोड़ा सा अपना योगदान देना चाहते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पे उनके फोटो लगा करके उनको श्रद्धांजलि से असली श्रद्धांजलि नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब हमें पूजना है तो हमें नहीं पूजिए, हमारे द्वारा चलाए गए सत्य और अहिंसा को पूजिए, तभी हमारा असली श्रद्धांजलि होगा। तो बस उसी बातों को उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग थोड़ा सा सफाई का काम करेंगे और करेंगे जितना भी हो सके हम लोग करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि केवल मैं इस वीडियो को बनाने के लिए ही सफाई कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा मिलेगा लोगों को इसको अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ और मैं हमेशा। रत्नेश भैया तैयार है? जी बिल्कुल। रत्नेश भैया भी तैयार है और हमारे बड़े भैया दीपू भैया भी तैयार हैं। ग्लव्स हम लोग ले लिए हैं और सबसे पहला हम लोग शुरू करने वाले हैं जो आपको दिखाते हैं। तो कचरा वहाँ पे दिख रहा है और रोड पे भी दिखाई दे रहा है और इधर भी कचरा है और चलाएंगे यहाँ पे भी दूध गिरने से कचरा फैल गया है और यहाँ पे सबसे ज्यादा कचरा है। ये सब आप देख सकते हैं कितना गंदगी को हम लोग कितना अच्छे तरीके से साफ कर रहे हैं। चूहा जाता है। चलिए इधर तो हो गया है लगभग साफ। कहां से ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। इधर से उठा लेते हैं सब। बहुत दिक्कत होता है।
रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कि कचरा यहाँ पे इस तरह से छोड़िए मत, बीच में डस्टबिन में ही डालिए। कितना खराब लगता है यार। दोस्तों तो हम लोग अभी यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारा कचरा फैला हुआ था, उसको साफ करके बहुत दिक्कत हुआ साफ करने में यार। बहुत मतलब गंदगी था बहुत ज़्यादा, उसको साफ करके हम लोग एक जगह पे उठा लिए हैं और इस मोहल्ला में लगभग जहाँ पे रहते थे उसका चारों तरफ का साफ हो गया है कचरा, और उसे दो बैग थैले में मतलब उसको रख लिए हैं और इसको जहाँ पे कचरा गाड़ी आती है वहाँ पे बहुत सारा कचरा रखा हुआ है, वहाँ पे इसको ले जा करके रख देंगे, वहाँ से कचरा गाड़ी आएगी और इसको उठा ले जाएगी। हम लोग सफाई करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप भी अपने चारों तरफ का जो कर सकते हैं तो करिए, उसे अपने दुकानों में डस्टबिन रखें और जो भी कुछ जो भी कोई कचरा फेंके आपका ग्राहक तो उसको डस्टबिन में ही डालने के लिए बोलिए। इससे क्या होता है कि हमारा वातावरण साफ रहता है, हम लोग बीमारी नहीं फैलता है। तो आज पटना में तो इतना डेंगू का कहर बढ़ गया है, और खास करके पटना में बहुत ज़्यादा डेंगू का कहर बढ़ गया है और बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं और मृत्यु भी हो रहे हैं बहुत लोगों को। फिर भी लोग सचेत नहीं होता है, जो बीमार पड़ते हैं वो भी गंदा करते हैं, गंदगी फैलाते हुए मिलते हैं। चलिए, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।